हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काई वे लर्निंग हब पे। तो आज की क्लास थर्ड क्लास होने वाली है मैट्रिक स्पेस के अंदर। इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं और जिसके अंदर मैट्रिक स्पेस के कुछ क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बेसिकली आपको मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आज मैं यहाँ पर क्वेश्चन एक डिस्कस करूँगा, उसके बाद होमवर्क वाला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर अगर देखा जाए तो टोटली तीन क्वेश्चन कराए थे, चौथा क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। लास्ट क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको 6 सेमेस्टर का कंप्लीट इंटायर सिलेबस पढ़ना है, पूरा कोर्स पढ़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे कोर्स को पढ़ सकते हैं। पाठक क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा, ऐप का लिंक भी दे रखा है, बैच का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली कहना क्या चाहता है, एक मैट्रिक स्पेस अगर आपके पास है, ठीक है, एक मैट्रिक स्पेस है पुराना, ऑलरेडी आपको पता है, तो उसी पे आप दूसरा नया मैट्रिक स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, तो वो भी हमारे पास मैट्रिक स्पेस ही होगा। तो बेसिकली यही कहना चाहता है, जैसे रो एक्स कॉमा वाई हमारे पास एक मैट्रिक है, ठीक है, एक्स रो हमारे पास मैट्रिक स्पेस है, तो ये जो नया मैट्रिक हमने डी एक्स कॉमा वाई डिस्टेंस फंक्शन लिया है, जो कि रो एक्स कॉमा वाई अपॉन वन प्लस रो एक्स वाई से, तो ये भी मैट्रिक स्पेस होगा, ये प्रूव करना है। यानी कि एक ओल्ड मैट्रिक स्पेस पे नया अगर मैट्रिक डिफाइन करते हैं तो वो भी मैट्रिक स्पेस होता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ सबसे पहले जो गिवन में है आपके पास, क्या गिवन में है, गिवन एक्स रो हमारे पास क्या है, इज अ मैट्रिक स्पेस। अच्छा, अगर ये मैट्रिक स्पेस है तो ये मैट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, देन आपके पास पता है डी वन प्रॉपर्टी क्या होगा, हमारे पास ये जो एक्स जो हमारे पास रो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस फंक्शन रो हो जाएगा, रो एक्स कॉमा वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, रो एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर सेट सेम रहेगा, सेट दोनों के लिए सेम ही रहेगा, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स सेट में ही होगा हमारे पास, ठीक है। डी टू प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगा, रो एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट एक्स, ठीक है। डी थ्री प्रॉपर्टी क्या होगी, डी थ्री प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, रो एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू रो वाई कॉमा एक्स, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, सॉरी, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। फिर चौथी प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा, चौथी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, डी एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस रो, सॉरी डी नहीं एक्स है, रो हो या यहाँ पे चल रहा है, तो रो जेड बाई हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बाई जेड बिलोंग्स टू सेट एक्स, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक। नाउ अब यहाँ पर M1 प्रॉपर्टी, D1 D2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ पर M1 ले लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी M1 मैट्रिक स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आपके पास वी नो दैट बाय D1 रो x कॉमा बाई ये क्या है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दे रखा। सपोज दैट ये हमारे पास अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर ग्रेटर देन जीरो सपोज दैट इसकी वैल्यू वन है, तो वन अपॉन वन प्लस वन कर दीजिए कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू हो जाएगा, तो वन अपॉन टू क्या है, ग्रेटर देन जीरो ही तो है। अब मान लीजिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए ग्रेटर देन वन, तो इसकी होल की वैल्यू भी ग्रेटर देन वन आएगी। अगर इसकी वैल्यू जीरो ले लेते हैं तो जीरो अपॉन समथिंग क्या होगा, जीरो ही होगा। तो यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ये वाला पूरा एक्सप्रेशन भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इट इम्प्लाइज रो एक्स कॉमा बाई अपॉन वन प्लस रो एक्स कॉमा बाई ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है।
इट इम्प्लाइज, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, डी एक्स कॉमा वाई के इक्वल है, तो डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हेंस एम वन सेटिस्फाइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। इसी तरीके से एम टू सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ जाओ। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या होता है, इक्वल टू जीरो रखना होता है। तो आपको पता है अगर ये रो एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, ठीक है, बाई डी टू सेकेंड प्रॉपर्टी है जो डी टू, उससे हम क्या लेंगे यहाँ पर डी, सॉरी यहाँ पर डी की जगह रो होगा, रो एक्स कॉमा वाई इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। इट इम्प्लाइज रो एक्स कॉमा वाई अपॉन वन प्लस रो एक्स कॉमा वाई, ये भी क्या होगा, इक्वल टू जीरो ही होगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो, इफ़ एंड ओनली इफ क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू बाई, क्योंकि ये भी इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू बाई के लिए पॉसिबल है। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाई डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू बाई, ठीक है। दस एम टू इज सेटिस्फाइड, ठीक। फिर एम थ्री पे आ जाओ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है यहाँ पर, थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। वी नो दैट, हमको पता है डी एक्स कॉमा बाई की वैल्यू किसके इक्वल है, रो एक्स कॉमा बाई अपॉन वन प्लस रो एक्स कॉमा बाई, और रो एक्स वाई मेट्रिक स्पेस है तो रो एक्स वाई की वैल्यू रो बाई एक्स के इक्वल हो जाएगी। तो ये रो बाई एक्स अपॉन वन प्लस रो बाई एक्स, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाई कॉमा एक्स के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बाई बिलोंग्स टू एक्स। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, बाई डी थ्री, ठीक है, डी थ्री से हमने यहाँ पे किया। फिर आ जाओ एम फोर पे, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रो एक्स कॉमा बाई अपॉन वन प्लस रो एक्स कॉमा बाई, ठीक है। अब आपको पता है रो एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू क्या है, रो एक्स जेड प्लस रो जेड बाई के इक्वल है, ठीक है। रो एक्स कॉमा वाई वन प्लस रो एक्स कॉमा बाई, अभी इसको मत लीजिए, एक काम कीजिए आप यहाँ पर डी एक्स जेड प्लस डी जेड बाई की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो डी एक्स जेड की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर रो एक्स कॉमा जेड हो जाएगा अपॉन वन प्लस रो एक्स कॉमा जेड हो जाएगा प्लस, फिर जेड वाई के लिए क्या हो जाएगा, रो जेड कॉमा वाई हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, वन प्लस रो जेड कॉमा वाई हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू, अब आपको पता है ये इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी मैंने आपको क्या बताया था, अगर मॉड के अंदर हमारे पास लिखा है सपोज दैट मॉड u प्लस बी, ठीक है, मॉड u प्लस बी अपॉन वन प्लस मॉड u प्लस वी, तो ये लेस देन इक्वल टू होता है मॉड u अपॉन वन प्लस मॉड u प्लस मॉड v अपॉन वन प्लस मॉड वी। तो वही वाली प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, तो u अपॉन वन प्लस यू लिखा प्लस वन v अपॉन वन प्लस वी लिखा, तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड u प्लस बी, तो मॉड u प्लस बी लगा दीजिए। तो मॉड u प्लस बी का मतलब क्या है, रो एक्स कॉमा जेड प्लस रो जेड कॉमा बाई, मॉड तो चल ही नहीं रहा, तो मॉड को सिंपली, मॉड की प्रॉपर्टी ये पढ़ाई थी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब आप बोलेंगे तो रियल नंबर है, तो सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, तो ये वाली इनइक्वालिटी यहाँ पे होल्ड करेगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वन प्लस ये हो जाएगा रो एक्स जेड प्लस रो जेड बाई, ठीक है। और आपको पता है रो एक्स जेड प्लस जेड वाई किसके इक्वल हो जाएगा, रो एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा अपॉन वन प्लस रो
एक्स बाई, ठीक है, तो यहाँ से बन रो एक्स कामा बाय वन प्लस रो एक्स कामा बाय, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास डी एक्स बाई के इक्वल, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स कामा बाई, और ये प्रॉपर्टी क्या है डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा बाई, तो यही आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है डी एक्स कामा वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो ये भी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो गई, ठीक है, तो लिखिए 10 आपके पास जो डी एक्स कामा बाई है इज मेट्रिक ऑन एक्स, ये एक्स पे मेट्रिक हो जाएगा और एक्स डी आपके पास क्या हो जाएगा मेट्रिक स्पेस हो जाएगा, ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम होमवर्क वाला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए होमवर्क में जो क्वेश्चन था, शॉर्ट में आपको बता दूं, ये डिस्टेंस फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड था, इसी को प्रूव करना है, R2 पे मेट्रिक है, लास्ट क्लास में पूरा क्वेश्चन वहाँ पर नोट किया था, तो वहाँ पर जाकर के आप लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या था पूरा विद लैंग्वेज, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में केवल डी यहाँ पर लिख के बता दिया, इसी को प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स हम ऑर्डर पे ले लेंगे, बाई ऑर्डर पे ले लेंगे, जेड ऑर्डर पे ले लेंगे, ठीक है, R2 पे यहाँ पर डिफाइन करना है, आर्बिटरी एलिमेंट्स हो जाएंगे R2 के। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा, D1 को ले लीजिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, हमको पता है x1 माइनस बाई वन किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दीजिए वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसी तरीके से x2 माइनस बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब दोनों अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए x1 माइनस बाई वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x2 माइनस बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो स्क्वायर रूट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी डी एक्स बाई की वैल्यू है, इट इम्प्लाइज डी एक्स बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू R2, ठीक है। D1 सेटिस्फाई हो गई, D2 पे आ जाओ, यहाँ पे लिख दो हैंस D1 इज सेटिस्फाइड, ठीक। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाओ, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी डबल इम्प्लीकेशन की, तो डबल इम्प्लीकेशन का मतलब है आप यहाँ पे लिखिए x1 माइनस बाई वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x2 माइनस बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 0 हम अगर पुट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है x1 माइनस बाई वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x2 माइनस बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन दोनों के वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। इफ, और हमको पता है इफ x1 माइनस बाई वन, इफ x1 माइनस बाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो ये क्या होगा x1 इज इक्वल टू बाई वन हो जाएगा, एंड और अगर हमारे पास x2 माइनस बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इट इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू बाई टू हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये x1 माइनस बाई वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x2 माइनस बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और हमने ले रखा है अगर ये 0 के इक्वल होगा तो x1 इज इक्वल टू बाई वन होगा, और ये अगर 0 के इक्वल है तो x2 इज इक्वल टू बाई टू के इक्वल होगा। अब दोनों की वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, इट इम्प्लाइज दोनों साइमल्टेनियसली क्या होगा x1 इज इक्वल टू बाई वन एंड x2 इज इक्वल टू बाई टू, ठीक है। अब x1 बाई वन के इक्वल है, x2 बाई टू के इक्वल है, इसका मतलब क्या है x1 कॉमा x2 ये ऑर्डर्ड पेयर किसके इक्वल हो जाएगा बाई वन कॉमा बाई टू के इक्वल, तो ये x की वैल्यू है ये बाई की, तो x इज इक्वल टू बाई हो जाएगा, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू बाई, ठीक है। सो डी एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ
ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा एक्स इजिकल टू बाई। सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई, डी टू इज सेटिसफाइड, ठीक है, डी टू भी सेटिस्फाइड हो गई। अब आ जाओ डी थ्री प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या लेकर के चलेंगे, हम लेकर के चलेंगे डी एक्स कमा वाई। तो डी एक्स कमा वाई की वैल्यू है अंडर रूट एक्स वन माइनस बाई वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, माइनस साइन कॉमन लेंगे स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस बना देगा, तो इसको लिख सकते हैं बाई वन माइनस एक्स वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं बाई टू माइनस एक्स टू का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब जैसे ही ऑर्डर चेंज हो गया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाई कॉमा एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर टू, ठीक। तो आपके पास इस तरीके से डी थ्री भी सेटिस्फाई हो गई, डी थ्री इज सेटिस्फाइड, ठीक, डी थ्री भी आपके पास सेटिस्फाई हो गई। तो पहले से इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक है, फिर इरेज करने के बाद थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको हम कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी डी फोर क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई की वैल्यू पहले पुट करेंगे एक्स वन माइनस बाई वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर की पावर हाफ हो जाएगी, फिर यहाँ पर माइनस डेड वन प्लस डेड वन करेंगे, यहाँ पर माइनस डेड टू प्लस डेड टू करेंगे, ठीक है। अब ये आपका हो गया यू आई की पावर टू प्लस बी आई की पावर टू होल की पावर वन बाई टू, तो ये मिंकोस्की इनक्वालिटी होती है, लेस देन इक्वल टू मॉड यू आई की पावर पी होल की पावर वन बाई पी प्लस मॉड वी आई की पावर पी होल की पावर वन बाई टू, ठीक है। तो इसी तरीके से ये यू आई की पावर टू फिर वन बाई टू हो जाएगा, वी आई की पावर टू अपॉन वन बाई टू हो जाएगा, तो ये मिंकोस्की इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है इसका मतलब क्या है, आपके पास एक्स वन माइनस जेड वन प्लस एक्स टू माइनस जेड टू, इसका मतलब है डी ऑफ एक्स वन कॉमा, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स वन जेड वन, एक मिनट, ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स कॉमा जेड हो जाएगा, ठीक है, एक्स कॉमा जेड हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपके पास डी जेड कॉमा बाई, ठीक है, और ये क्या चल रहा था आपके पास टी एक्स कॉमा बाई, तो ये हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बाई जेड बिलोंग्स टू आर टू, ठीक है, दस डी एक्स कॉमा बाई इज मैट्रिक ऑन आर टू, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास एक्स डी क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पर आर टू है तो आर टू कॉमा डी हमारे पास मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो टोटल पांच क्वेश्चन हो चुके हैं और इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम सीडो मैट्रिक्स क्या होती है मैट्रिक स्पेस उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए सीडो मैट्रिक क्या होती है, देखिए मैट्रिक स्पेस के अंदर जो मैट्रिक हम डिफाइन करते हैं किसी सेट एक्स जो भी नॉन एम्प्टी सेट होता है, तो वहाँ पे बेसिकली चार प्रॉपर्टी डी वन डी टू डी थ्री डी फोर फॉलो करता है। अगर हम बात करें थोड़ा ग्रुप थ्योरी में चलते हैं तो वहाँ पे ग्रुप की डेफिनेशन, वहाँ पे आपके पास सेमी ग्रुप भी आता है, फिर आपके पास एक क्या कौन कौन से नेम आते हैं, एक तो ग्रुपाइड आता है, सेमी ग्रुप आता है, मोनोइड आता है और फिर ग्रुप आता है, फिर उसके बाद एबेलियन ग्रुप आता है। अगर हम सेमी ग्रुप की बात करें, सेमी ग्रुप में केवल दो ही प्रॉपर्टी स्टार्टिंग की सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो जितने भी सेमी ग्रुप्स हैं, ठीक है, और जितने भी ग्रुप्स हैं तो सारे ग्रुप क्या होंगे, स्टार्टिंग की दो प्रॉपर्टी तो फॉलो करेंगे, चार तो करते ही हैं, तो सिंपल सी बात है दो भी फॉलो करेंगे। अगर कोई भी हमारे पास सेट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में दो प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो उसको सेमी ग्रुप बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं वो सेमी ग्रुप हैं, लेकिन क्या सारे सेमी ग्रुप ग्रुप हैं, नहीं है,
कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, लेकिन सारे ग्रुप सेमी ग्रुप होते हैं, लेकिन सेमी ग्रुप ग्रुप नहीं होते हैं। तो स्यूडोमेट्रिक क्या होती है? स्यूडोमेट्रिक में यहाँ पर चार प्रॉपर्टी में तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं, जो प्रॉपर्टी नंबर टू है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। नहीं होने का मतलब क्या है? डी टू में क्या होगा, डी एक्स वाई इज इक्वल टू अगर जीरो लेते हैं, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई ये सेकेंड प्रॉपर्टी होती। बट स्यूडोमेट्रिक में क्या होता है, अगर डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो लें तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू y के लिए भी ये ट्रू होता है, ठीक है। तो ये लेने पे हमेशा जरूरी नहीं x इक्वल टू y ही है, x नॉट इक्वल टू y भी आ सकता है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम x इक्वल टू y लेकर के चलते हैं तो डी एक्स कमा वाई इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन अगर डी एक्स कमा वाई इक्वल टू जीरो लें तो x इक्वल टू y ही हमेशा होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसका कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। तो जितने भी स्यूडोमेट्रिक हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास स्यूडोमेट्रिक हैं, क्या मैट्रिक बन सकती हैं? स्यूडोमेट्रिक एक देखा जाए अगर चार में तीन ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये इसको एक तरीके से सेमी मेट्रिक भी बोलते हैं। तो सेमी मेट्रिक में तो एक प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो वो मेट्रिक तो हो ही नहीं सकता। स्यूडोमेट्रिक मेट्रिक नहीं होगा, लेकिन जितने भी मेट्रिक हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, स्यूडोमेट्रिक होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है, एवरी मेट्रिक इज अ स्यूडोमेट्रिक, बट अ स्यूडोमेट्रिक इज नॉट नेसेसरली अ मेट्रिक। जैसे ग्रुप का अभी केस समझाया कि सारे ग्रुप सेमी ग्रुप होते हैं, लेकिन सेमी ग्रुप सारे ग्रुप नहीं होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर सारे मेट्रिक स्यूडोमेट्रिक सेमी मेट्रिक होते हैं, लेकिन सारी सेमी मेट्रिक स्यूडोमेट्रिक सॉरी मेट्रिक हों ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फिर यहाँ पर से स्यूडोमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, भाई है सिंपल, डी वन डी थ्री डी फोर सेटिस्फाई करता है, लेकिन डी टू में ये कंडीशन लग जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स टी यहाँ पर एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक दूसरा मैट्रिक डिफाइन किया गया है डी डैश से, सच दैट क्या है, एक्स कॉमा डी डैश इज बाउंडेड विद डेल्टा एक्स लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है। इसको कीजिए, नहीं होता मैं सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट डी डैश, यहाँ पर फिर से एक और मैट्रिक नया डिफाइन किया गया है, और मिनिमम ऑफ वन कॉमा मैट्रिक डी एक्स बाई, ठीक है। और मैंने बताया जब भी ओल्ड मैट्रिक पे नई मैट्रिक डिफाइन की जाती है तो वो हमेशा मैट्रिक स्पेस बनाती है, तो ये भी मैट्रिक बनाएगी, बस इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन कीजिए, नहीं होते तो मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे कराऊंगा। आई होप आपको आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं समझ में आएंगे, स्यूडोमेट्रिक समझ में आया होगा कंसेप्ट इसका, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर ये होमवर्क वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अभी मैट्रिक स्पेस के, वो भी कराने हैं। तो सारी चीज़ें अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास एंड करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।